हम बात कर रहे हैं HFCL की। अगर आज के दिन की बात करें तो हमको 3% के ऊपर के अपसाइड के साथ स्टॉक में क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। हम देख सकते हैं स्टॉक जहां रिजेक्शन फेस कर रहा था 74 का लेवल, जहां से हमको इससे पहले गिरावट देखने के लिए मिली थी, और यहां भी हमको 72 के लेवल पे भी स्टॉक ने रिजेक्शन फेस करते हुए नज़र आ रहा था, तो उसी लेवल से स्टॉक ने हमको सपोर्ट लेकर बाउंस बैक दिखाया है। और हमने इससे पहले देखा जब यहां से ब्रेकआउट किया था तो हमको 83 तक के टारगेट स्टॉक ने बताए थे, और अगेन उसी लेवल से हमको स्टॉक सपोर्ट लेके बाउंस बैक होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि स्टॉक ने हमने अपने तगड़े सपोर्ट से ही बाउंस बैक किया है। और हमने देखा कि इस बाउंस बैक के साथ 74-76 के लेवल को ब्रेकआउट करके स्टॉक ने 78 के लेवल पर क्लोजिंग दिया है, हमको 78 के आसपास क्लोजिंग दिया है। ये इसका रेजिस्टेंस जोन ही है, हम देख सकते हैं इससे पहले जब गिरावट आई थी इसी लेवल से हमको सपोर्ट लेके बाउंस बैक होता हुआ नज़र आया था। इस बाउंस बैक के साथ स्टॉक अपने हाई को भी ब्रेकआउट दे सकता है। अगर बात करें इमीडिएट सपोर्ट लेवल की तो 74 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है। इसको ब्रेक डाउन करता है तो ये जो इसका लो है 72 के आसपास, ये तक दूसरे सपोर्ट और तगड़े सपोर्ट का काम करने वाला है। अब अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। इमीडिएट टारगेट रहेगा 80 का लेवल, अगर इसको ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट टारगेट इसका जो है हाई 83 वो रहेगा हमारा 83 जो इससे पहले का हाई हो, और अगर इसको ब्रेकआउट दे जाता है तो इस HFCL में हमको 90 तक के भी टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं, और